हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट एंड दिस इज योर फ्रेंड सागर रैना। सो बात करेंगे यहाँ पे जिस तरह से हमारे बैक टू बैक जो है क्लासेस चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते हैं इस चैनल के माध्यम से क्लास फोर्थ एग्जामिनेशन के लिए। सो आज का हमारा जो है टॉपिक रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 5 to 10 मिनट्स की वीडियो रह सकती है, इवन मोर देन 10 मिनट्स भी रह सकती है, बिकॉज आज की वीडियो में है मैं पूरी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, और साथ में बात करूंगा जियोग्राफी है जो जम्मू कश्मीर की वो भी डिस्कस करूंगा, और साथ में बात करूंगा तो कल्चर है जो जम्मू कश्मीर का वो भी डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, बिकॉज इस वीडियो के बाद है आप जो किसी भी एग्जाम होगा जो जेकेएसएसबी की बात करूंगा 1700 वैकेंसी या 1885 वैकेंसी या फिर बात करूंगा 540 या 232 वैकेंसी जो एडवर्टाइज की गई है अभी 3-4 एडवर्टाइजमेंट्स में, उसमें सब में जो है सिलेबस सेम है, और सिलेबस की बात करूंगा तो यहां पे हिस्ट्री और स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। सो डीपली हर टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सो बढ़ते वीडियो के साथ आगे और फिर देखते हैं कि क्या रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, बट 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है सेंट्रल सेंटर से। मैं बता देता हूं जिस मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट की थी वो थे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने की थी, और मैं बात करता हूं यहां पे फर्दर, मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक इंडिया की स्टेट है, और बात करेंगे यहां पे इसके बीच मैक्सिमम देखा जाए तो डिस्प्यूट चला है इंडिया के साथ चाइना और पाकिस्तान का, और मैं बता देता हूं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की, उसको पहले कहा जाता था हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था पहले, और जितनी भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं प्रिंसली स्टेट की उसको कहा जाता था आजाद कश्मीर, और बात करूंगा यहां पे नॉर्थन टेरिटरीज की तो जिसको कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान जो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है 1947 के बाद, और मैं बात करूंगा यहां पे देखिए आपको मेरे डेस्कटॉप में पूरा दिख ही रहा है कि फाउंडेड इन एडमिशन इन यूनियन, सो यूनियन टेरिटरी है जो वो आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जो है बनी है। बात करूंगा यहां पे कि दो डिवीजन है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, बताना चाहूंगा पहले तीन थे क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ करता था, बट लद्दाख जो है अलग कर दिया गया है यूटी, तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी दो डिवीजन है जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन। सो कश्मीर में बता देता हूं कश्मीर वैली है जो उसको कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ, और अगर जम्मू की बात करूंगा तो जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। सो उसी तरह से आगे देख सकते हैं रूल किस किस ने कर रखा है जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे पहले बताना चाहूंगा मुगल्स अफगान्स और सिख जो है वो रूल्स कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और लास्ट रूलर था जो जम्मू एंड कश्मीर का बता देता हूं राजा हरि सिंह थे, जिनका पीरियड था जो वो रहा है 1895 से लेकर 1961 तक। सो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको मेरे डेस्कटॉप में दिख रहे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी कश्मीरी के राइट्स के लिए, फ्रीडम की आजादी के लिए, और ये जो फाइट मैं बता देता हूं कि कश्मीर की आजादी की जो लड़ाई थी वो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम रूल में थी, और मैं बता देता हूं यहां पे बाद में जाके जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो वो 1939 में बनी थी, मैं बता देता हूं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी द्वारा, जिन्होंने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी उसी को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और मैं बता देता हूं यहां पे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो आई 31 अक्टूबर 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी का दर्जा दे दिया गया। मैं यहां पे बात करूंगा जम्मू एंड स्टेट की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो देखिए कोराकरम एंड वेस्टर्न मोस्ट हिमालयस जो है माउंटेन रेंजेस हैं यहां जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्थन पार्ट में, और बात करेंगे यहां पे कश्मीर वैली, तवी वैली, चिनाब वैली, पंच वैली, सिंध वैली और लिटिल वैली जो है ये कुछ वैलीज हैं जो मैं बता देता हूं जम्मू एंड कश्मीर में है, और उसी तरह से फर्दर बढ़ेंगे एरिया वाइज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया यहां पर दिखाया गया गया है 42,241 किलोमीटर, यानी कि 16,309 स्क्वायर मीटर की जो है यहां पे डिस्टेंस बताया गया है। उस तरह से पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1,22,53,443 यानी कि 1,22,58,433 जो है वो पॉपुलेशन है यहां पे। मैं बता देता हूं जो पॉपुलेशन है जो 2011 के सेंसिस की है, फिलहाल अभी करंटली 2021 में अगर सेंसिस होते हैं तो उसके बाद जो है पॉपुलेशन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को जो है मिल सकता है। बात करेंगे यहां पे रैंक देखेंगे अगर स्टेट का तो एरिया वाइज जो है वो 22nd जो है हमारा रैंक रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का, और पॉपुलेशन वाइज बताऊंगा तो 20th रैंक है जो वो जम्मू कश्मीर का रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं 290 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से जो यहां पे दिखाई गई है, और बात करेंगे यहां पे स्टेट जो है वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी बन चुकी है, बाउंड किस किस एरिया से वो मैं बता देता हूं। अगर बात करेंगे यहां पे नेशनल लेवल की तो चाइना से एक तरफ से बाउंड, और एक तरफ से पाकिस्तान से, और एक तरफ से बांग्लादेश से भी जो है वो बाउंड है, और बात करेंगे यहां पे अगर माफ कीजिए जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो ओनली चाइना से जो है वो बाउंड है, और अगर पूरे इंडिया की बात करूंगा तो वो बांग्लादेश से भी जो है वो बाउंड है हमारे इंडिया की। और बात करेंगे यहां पे फर्दर
और अगर साउथ में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ है जो ये बाउंडेड है। और अगर वेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पंजाब यानी कि प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के जो है साथ बाउंडेड है। सो चाइना और पाकिस्तान जो है वो नेशनल लेवल में रहेंगे स्टेट के साथ जो बाउंडेड है, और माफ कीजिए इंटरनेशनल लेवल में रहेंगे। और नेशनल लेवल की बात करूंगा तो हिमाचल प्रदेश पंजाब जो है वो बाउंडेड है। अब जो है वो लद्दाख से भी बाउंडेड हो चुका है, बिकॉज लद्दाख जो है अलग से यूटी बन चुकी है। सो अब बात करेंगे यहाँ पे फर्दर सॉइल एंड मिनरल्स के ऊपर। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स हैं यहाँ पे, और डिग्रेड ऑफ ग्रे ब्राउन पॉर्जोलिक सॉइल्स हैं, और रेड एंड येलो पॉर्जोलिक सॉइल्स हैं, माउंटेन मिडो सॉइल्स हैं, और बात करेंगे लिथो सॉइल्स जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए जम्मू रीजन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो केरल क्रॉप्स हैं और बासमती राइस हैं, राजमा है, पल्सिस की बात करूंगा तो राजमा उसमें है और फूडर है और ऑयल सीड्स हैं। अगर कश्मीर रीजन की बात करूंगा यहाँ पे पैडी मेज ऑर्चर्ड्स जिसमें एप्पल एलमंड वॉलनट पीच चेरी जो है वो आते हैं। सो बात करेंगे फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो 20,230 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया रहेगा फॉरेस्ट का। और बात करूंगा 20.30 लाख हेक्टर्स के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो वो 20.23 लाख रहेगा। क्लाइमेट की बात करूंगा यहाँ पे तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे साउथ अराउंड जम्मू की बात करूंगा तो द क्लाइमेट इज टिपिकली मूनसूनल जो है क्लाइमेट रहता है यहाँ पे। और क्लाइमेट लद्दाख की बात करूंगा तो ड्राई एंड कोल्ड रहता है, बट फिलहाल जो लद्दाख है वो यूटी अलग से बन चुका है तो लद्दाख को थोड़ा सा हम साइड रखेंगे यहाँ पे। और रिवर की मैं बात करूंगा यहाँ पे मेन क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यहाँ पे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जेलम, इंदूज, चिनाब, तावी रिवर और सुरू शौक जो है जो रिवर्स रहेंगे। और मैं बता देता हूं कि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है मैंने, आप वहां पे भी देख सकते हैं अगर आपको डीपली पढ़ना हो इस चीज को। और डैम की बात करूंगा तो यहां पे आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट यहां पे डैम्स जो है दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करूंगा तो सलाल डैम के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ बात करूंगा तो वहां पे है जो सलाल डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह से बात करेंगे मेजर फ्लोरा एंड फौना के ऊपर, तो यहां पे आप मेरे डेस्कटॉप में देख सकते हैं मेजर फ्लोरा कौन है और मेजर फौना यहां पे बताए गए हैं। हिमालयन ब्राउन डियर जो है मेजर फौना में आता है, कश्मीरी मस्क डियर जो है वो भी फौना में आता है। और बात करेंगे तिबेतन सैंड फॉक्स और कश्मीरी ग्रे लंगूर और स्नो लेपर्ड जो है वो मेजर फौना में आते हैं। लेक की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो डल लेक, गदसर लेक और वुलर लेक जो है मेन लेक है यहाँ पे। और लोकेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो डल लेक है जो वो श्रीनगर में है, गदसर लेक की बात करेंगे तो गांधरबल में है जो कश्मीर वैली में है, और बात करेंगे वुलर लेक की तो वो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां पे। नेशनल पार्क की बात करेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेशनल पार्क आप देख सकते हैं ढांचीगम नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो प्रसिद्ध है कश्मीरी स्टैक के ऊपर। और मैं बात करूंगा लोकेशन की बात करूंगा तो श्रीनगर जो है इसकी लोकेशन है। सलीम अली नेशनल पार्क की बात करूंगा तो श्रीनगर में है, और काजीनाग नेशनल पार्क की बात करूंगा तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, और मरखूर यानी कपड़ा फेल्कोनरी जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और बात करेंगे किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क की तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और स्नो लिपर्ड के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, इसके ऊपर भी जो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क की तो श्रीनगर में है, और इसमें 50 स्पीसीज हैं जो वो बर्ड्स की हैं वहां पे रखी गई हैं। और बात करेंगे 15 मैमल स्पीसीज जो है वहां पे आप देख सकते हैं। और हैमिज नेशनल पार्क की बात करूंगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, बट ये ले डिस्ट्रिक्ट में है जो अब अलग से यूटी कन्वर्ट हो चुका है लद्दाख। और बात करूंगा यहाँ पे जो भी प्रसिद्ध है जो वो स्नो लेपर्ड की वजह से प्रसिद्ध है। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूंगा तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और मस्क डियर के लिए जो है वो फेमस रहेगा। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूंगा तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, और नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूंगा तो जम्मू में रहेगा। और साथ में बात करता हूँ लिपर्ड वाइल्ड बुअर रेनूज मंकी और भरल ग्रे लंगूर के लिए जो है वो यहाँ पे प्रसिद्ध रहेगा। और मेन देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, हैमिज नेशनल पार्क से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढांचीगम नेशनल पार्क से पूछा जाता है, और साथ में बात करूंगा तो किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फर्दर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो रहेगा हमारा निक नेम क्या है सिटीज के। सो कश्मीर का बता देता हूँ, देखिए सिटी ऑफ लेक्स या रिवर्स रखा है यहाँ पे। कश्मीरी कश्मीर को जो कहा जाता है, कश्मीर वैली की बात करूंगा तो उसको कहा जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ। और सियाचिन की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है सियाचिन को, और हाइएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल फील्ड भी कहा जाता है वर्ल्ड की वो सियाचिन रहेगा। और बात करेंगे जम्मू तो जम्मू को जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। उसी तरह से माउंटेन्स के ऊपर आते हैं, अगर काराकोरम की बात करेंगे तो
12 मीटर की जो हाइट है इसकी रहेगी और सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की आफ्टर माउंट एवरेस्ट। और प्लेस की बात करेंगे तो ये लद्दाख में जो है वो प्रसिद्ध है। नंगा पर्वत रेंज की बात करेंगे 8107 मीटर की जहां पे इसकी हाइट रहेगी और इसको जो है वो कहा जाता है नेक्ट माउंटेन या फिर डियोमिट या फिर किलर माउंटेन कहा जाता है। और जो सिचुएटेड है वो वेस्टर्न हिमालयस में जो है जी सिचुएटेड है। उसी तरह से आप देख सकते हैं सोयामजी 1860 मीटर की जो है हाइट रहेगी इसकी। उस तरह से पीर पंजाल को आप देख सकते हैं 1400 से लेकर 8100 मीटर की जो हाइट है इसकी। और बात करेंगे फेमस बनिहाल पास लाइज इन द शेप ऑफ टनल। देखिए टनल की शेप में है जो बनिहाल इलाके में है जो आपको मिल सकता है पीर पंजाल रेंज जो है वहां से। और बात करेंगे बारामूला से पास होकर हाजीपुर से जो वो पास होती है। बात करेंगे अमरनाथ माउंटेन की तो आप डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं, हर किसी को यहां पे बता दिया गया है कितनी हाइट और कितनी रेंज रहेगी। सो उसी तरह से शिवालिक रेंज है, देखिए बहुत से क्वेश्चन जो है शिवालिक रेंज में पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। उस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं यहां पे मैं तो कैपिटल में देखिए श्रीनगर में था, श्रीनगर जो पहले कैपिटल थी इसकी यहां पे जब स्टेट हुआ करती थी। और अब बात करेंगे लार्जेस्ट सिटी की जम्मू कश्मीर में तो श्रीनगर है जो सबसे लार्जेस्ट सिटी यहां पे फाइनलाइज की गई थी, श्रीनगर लार्जेस्ट सिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जो वो जम्मू में भी रहता है और श्रीनगर में भी जो रहता है, सेक्रेटरीट जिसे हम कहते हैं वो मूव ऑन होता रहता है। और चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे लास्ट टाइम जो है महबूबा मुफ्ती जी थे। और बात करता हूं 20 जून 2018 तक है जो इन्होंने एज अ वर्क किया है एज अ चीफ मिनिस्टर। उसके बाद है जो गवर्नर रूल हो गया था और 31 अक्टूबर 2019 के बाद है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पे रूल लागू हो गया था। और बात करेंगे यहां पे अभी जो है वो वेकेंट है बिकॉज इलेक्शन नहीं हुए और जो यूटी है यूटी में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है अभी रूल चल रहा है। मैं बात करूंगा यहां पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर देखिए यहां पे बताया गया है जीसी मुर्मू जी हैं। मैं बता देता हूं यहां पे अपडेटेड नहीं किया होगा मनोज सिन्हा जी हमारे जो है करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है। स्टेट एनिमल की बात करूंगा जो पहले हुआ करते थे स्टेट जब थी तब एनिमल था जो वो कश्मीरी स्टैग था हमारा। और स्टेट बर्ड की बात करूंगा उस समय अब ब्लैक नेक्ड क्रेन हुआ करती थी। और स्टेट फ्लावर की बात करूंगा तो लोटस हुआ करता था। और स्टेट ट्री की बात करूंगा तो प्लैटिनस ओरिएंटल्स जो था इसका स्टेट ट्री था। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थी पहले 22 थी अब 20 हो चुकी है। बट यहां बताना चाहूंगा अब हमारा जो है नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल नहीं है बिकॉज अब जो है वो यूटी बन चुका है। और जो नेशनल लेवल का रहेगा वर्ल्ड जैसे पिकॉक है वही हमारा जो है नेशनल वर्ड अब रहेगा। उसी तरह से देख सकते हैं आप स्टेट के अकॉर्डिंगली देखें तो हिस्ट्री में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ डिवीजन की बात करूंगा तो देखिए डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूंगा यहां पे मिस्टेक हुई है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो 22 डिस्ट्रिक्ट थे पहले क्योंकि आपको हिस्ट्री भी कवर करनी है तो 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में पहले। और डिवीजन की बात करूंगा तो 3 डिवीजन हुआ करते थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और लोकसभा सीट की बात करूंगा तो 6 सीट जो है लोकसभा हुआ करते थे। और विधानसभा की बात करूंगा तो 89 हुआ करती थी जिसमें 87 जो थी वो इलेक्टेड थी और 2 थी जो वो नॉमिनल हुआ करती थी। उसी तरह से आगे मेजर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जम्मू एयरपोर्ट है, कारगिल एयरपोर्ट है, कुशोक बकूला रिम्पोची एयरपोर्ट है, पुंछ में है जो एयरपोर्ट है और शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और बात करेंगे जम्मू रीजन की देखिए रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन की बात करेंगे जम्मू रीजन में तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, बनिहाल रेलवे स्टेशन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन है, कटरा रेलवे स्टेशन है, मेन मेजर रेलवे स्टेशन है। अदरवाइज ऐसे तो बहुत से रेलवे स्टेशन और भी हैं। और मेजर रेलवे स्टेशन कश्मीर रीजन की बात करूंगा तो बारामूला रेलवे स्टेशन है, सोपोर रेलवे स्टेशन है, हामरे रेलवे स्टेशन है और पट्टन जो है रेलवे स्टेशन रहेगा। उसी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूंगा जब स्टेट हुआ करते थे तो उर्दू कश्मीरी डोगरी और हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। टाइम जोन आप देख सकते हैं और पोस्टल कोड की बात करूंगा देख सकते हैं पोस्टल कोड भी मेरे डेस्कटॉप में दिख रहा है, व्हीकल कोड भी आपको दिख रहा है यहां पे। जुडिशियरी की बात करूंगा तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हुआ करती थी। और ट्राइब्स की अगर बात करेंगे यहां पे तो बाल्टी ट्राइब्स देख सकते हैं आप जो है लद्दाख रीजन में है, बकरवाल जो है वो रिमार्क में देख सकते हैं आप, धनगर इन रेस्ट ऑफ इंडिया है। डोगरा की बात करूंगा तो डिसेंडेंट्स ऑफ द आर्यन कहा जाता है और गुज्जर की बात करूंगा तो नोमैडिक हर्डर्स लिविंग ऑन द हिल्स कहा जाता है। उस तरह से डिफरेंट यहां पे आपको दिख रहे हैं। स्टेडियम की बात करूंगा यहां पे शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है जो श्रीनगर में है, बख्शी स्टेडियम है जो श्रीनगर में है और मौलाना आजाद स्टेडियम है जो वो जम्मू में है। एयरपोर्ट की बात करेंगे यहां पे शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो श्रीनगर में है। मैं बता देता हूं यहां पे जम्मू एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट की बात करेंगे तो जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है लोकेशन इसकी देखा जाए। ले कुशोक बकूला रिम्पोची एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ले में है, कारगिल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो कारगिल में है, पुंछ एयरपोर्ट की बात करेंगे तो जम्मू डिवीजन में है और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। उस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करेंगे एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कश्मीर वैली में है। लोअर जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह से मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात करूंगा तो नॉर्थन कश्मीर में जो है वो जो है पहलगाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो पहलगाम है। और सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तो वो सलाल प्रोजेक्ट है करंटली।
उस तरह से आर्टिकल 370 की ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 370 है जो वो खत्म हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से, जब जो स्टेट का रूल जो है स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया था एज अ यूटी में। सो अगर आप चाहते हैं कि डीपली मैं इस 370 के ऊपर आपको वीडियो बना के पढ़ाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। कल्चर की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोक डांस की बात करेंगे तो धुमाल जो है डांस रहेगा, फोक डांस रहेगा जम्मू कश्मीर का। ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात करेंगे यहाँ पे तो उसी तरह से ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात करेंगे तो सुफियाना कालम यानी कश्मीरी क्लासिकल एक म्यूजिक है और चक्री है जो इसका ट्रेडिशनल म्यूजिक है। और मेजर फेस्टिवल्स आप देख सकते हैं ईद उल फितर, ईद उल अजहा, महमीज फेस्टिवल, बसाखी, टलिफ फेस्टिवल और शिकारा फेस्टिवल जो है इस तरह के मनाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उसी तरह से आप फेमस फूड की बात करें तो रोजन जोश आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है फेमस फूड है यहाँ पे। ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें तो वुमेन्स के लिए पहरान, हेडड्रेस, तिरंगा और ज्वेलरी जो है जो रहते हैं। और मेल की बात करें तो कश्मीरी मैन जो है वो फेरन, टर्बन्स, हेड गियर और गुजर्स एंड डोगरास जो है उस तरह के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है जम्मू एंड कश्मीर में। टेम्पल्स की बात करेंगे तो वैष्णो देवी टेम्पल है जो वो कटरा में है, अमरनाथ टेम्पल की बात करेंगे अनंतनाग पहलगाम में है, रघुनाथ टेम्पल की बात करेंगे तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है और मैं बता दूं तो जम्मू ही सिटी में है जे। और उसी तरह से पीड़खो केव टेम्पल की बात करेंगे तो जम्मू में है, पंच भक्तर टेम्पल की बात करेंगे सेक्टर 5 त्रिकुटा नगर में है। और उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स यहाँ पे आपको मेरे डेस्कटॉप में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे अगर इकोनॉमी की तो स्टेट की जीडीपी की बात करेंगे तो 1.38 लाख करोड़ जो है स्टेट की जीडीपी हुआ करती थी, मैं पहले बता दूं अभी यूटी बन चुकी है, उसी तरह से ग्रोथ रेट आप मेरे डेस्कटॉप में देख ही सकते हैं। देखिए जो इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये तो फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही चलेंगे आगे नहीं, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहूंगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस रहे। सो मेन जो ऊपर ऊपर मैंने आपको सब कुछ बताया है इकोनॉमी से ऊपर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहां से पूछे जाते हैं, सो वीडियो के साथ बने रहे। और बात करूं अगर हिस्ट्री की तो सीएम पीएम और बात करूंगा चेयरमैन वगैरह जो हुआ करते थे पहले और किस किस रूलर ने कब रूल किया है इसकी ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर रखी है, जितने एस्पिरेंट्स हैं क्लास फोर्थ के वो उस वीडियो को देख सकते हैं। जहां पर फर्दर और भी जो एस्पिरेंट्स हैं आने वाले एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उस वीडियोज को देख के जो है पूरी की पूरी वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। फिलहाल ये मेरे तरफ से एक ओवरव्यू था पूरा स्टेट का जो मैंने नियर अबाउट 17 मिनट की वीडियो में खत्म किया। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी आप अपडेट पा सकते हैं। और बात करूंगा यहाँ पे कल जो है इस पूरे क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट जो है हमारे वेबसाइट www.prepareforjobs.com पे अपलोड हो जाएगा, वहां पे एटलीस्ट मॉक टेस्ट देके आप अपना देख सकते हैं कि आपको जो है वो कितनी नॉलेज है बेसिक अपने स्टेट की। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे और खत्म करते हैं फिलहाल इस वीडियो को आगे और मिलते हैं फर्दर अगली अपडेट और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।